फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी मॉलिक्यूल्स का गाढ़ी जगह से पतली जगह पर जाना डिफ्यूज़न कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अगरबत्ती जलाएं कहीं पे, तो उसकी स्मेल एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगरबत्ती के भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी स्मेल के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि वहाँ दूसरी जगह पे केवल एयर के मॉलिक्यूल हैं। तो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को लेने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कवर करने के लिए, परफ्यूम के मॉलिक्यूल यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ये प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाती है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। गाढ़ी जगह से पतली जगह पर जाना, जैसे कि अगर आपके किचन में छोले पक रहे हो, तो उसकी पहली सीटी आते ही आपको स्मेल आ जाती है रूम में बैठ के। क्यों? क्योंकि जब उसमें से वेपर्स निकलती हैं, तो वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से पूरे घर में फैल जाती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। या फिर आप अगर नील की एक बूंद डालते हैं बाल्टी में, या एक ढक्कन नील डालते हैं, तो पूरा पानी नीला हो जाता है। ऐसे एक केमिकल होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, मर्जेंटा कलर का होता है। उसे पानी में डालते ही पूरा पानी मर्जेंटा या पिंक कलर का हो जाएगा। या आप होली के रंग डालते हो बाल्टी में, घोलते हो, तो पूरे बाल्टी में कलर घुल जाता है। ऐसा क्यों? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ऐसा हो पाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरे पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। डिफ्यूज़न की प्रोसेस से गाढ़ी जगह से पतली जगह पर जा पाते हैं। तो डिफ्यूज़न हमने क्या समझा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन।